जय माता दी। नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में स्वागत है। आइए जानते हैं आज द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, यानी प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का होता है, द्वितीय दिन जो है ब्रह्मचारिणी का होता है। तो सबसे पहले भगवती ब्रह्मचारिणी जी का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में अपने आप को नमन करते हैं। घंटा शूलहला निशंक मुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जिर्दधतिङ्घनन्त विलसक्षेतां सुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतामहा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिन के पूजन का क्या विधान है। माँ दुर्गा जी की नौ शक्तियों का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या, तपस्या की चारिणी, तपस्या की अधिष्ठात्री देवी। ब्रह्म का मतलब ही होता है तपस्या, वेदास्तत्त्वम तपो ब्रह्म, तो तपस्या की पुंज। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद जी के उपदेश से इन्हें भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की, और इनकी तपस्या बहुत ही कठिन हुई है। उल्लेख इनके तपस्या के विषय में कि कई कोटि समय तक तो इनने फलाहार में रही, उसके बाद ये जो है सिर्फ पत्तों पे रही। कई हजार वर्ष इनने जो है बेलों के पत्ते जो नीचे गिरते थे उन पत्तों को खा की रही। इसके बाद बहुत लंबे समय तक इनने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, तो इनका नाम एक पत्तों के उसमें जो है अपर्णा भी पड़ गया। इनने इतनी कठिन तपस्या की कि इनके तपस्या से समूचा ब्रह्मांड, पूरी तरह से ऋषि देव आदि बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता के साथ साथ ब्रह्मा जी ने वहाँ से आकाशवाणी की कि हे देवी, अब आप अपने घर लौट जाएं, आपकी इस तपस्या से निश्चित रूप से आपको जो है चंद्रमौली भगवान शिव प्राप्त होंगे। आपकी ऐसी तपस्या अभी तक के ब्रह्मांड में किसी ने इस प्रकार की तपस्या नहीं की, तो अब आप अपने घर लौट जाएं। और उस तपस्या से इनका शरीर बहुत ही कृशकाय हो गया था, इनका शरीर पूरी तरह से जो है पीला पड़ गया था, तब की बिल्कुल ये जो है पुंज हो गई थी। तो तपस्या से इनको भगवान शिव की प्राप्ति हुई। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और साधकों के लिए बहुत ही अत्यंत जो है तो फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्यों को तप, त्याग, वैराग्य आदि की प्राप्ति होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। तो दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी जी की तपस्या आप जरूर कीजिए, पूजन कीजिए, पाठ कीजिए, और नहीं कुछ हो पाता है तो नवान मंत्र का जाप जो है अवश्य कीजिए। इस दिन व्यक्ति का जो मन है वो स्वाधिष्ठान चक्र में रहता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा से भक्ति को प्राप्त करता है। तो दूसरा दिन जो है ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म शब्द से ही ज्ञात होता है कि तपस्या, तो इस दिन निश्चित रूप से आप तपस्या करें। इस दिन का जो स्वरूप है भगवती का, एक हाथ में कमंडल लिए हैं, जो उनके बाएं हाथ में कमंडल है और दाहिने हाथ में जो है जप की माला है, जो अक्षय फल को प्रदान करने वाली है। तो जो भी व्यक्ति इनकी पूजा पाठ जप करता है, निश्चित रूप से उन सभी को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। और अक्षय फल ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़, जिस चीज़ की का भी आपके अंदर मनोकामना है, जो चीज़ भी आप मांगना चाहते हैं, जिस चीज़ की भी कमी है आपके जीवन में, वह आप कामना कीजिए, भगवती ब्रह्मचारिणी निश्चित रूप से आपको जो है प्रदान करेंगी। तो आज ब्रह्मचारिणी का बताया, अगले एपिसोड में आपको फिर चंद्रघंटा का बताएंगे, फिर कुष्मांडा का आदि आदि नौ देवियों का बताएंगे। तो आज इतना ही। जय माता दी। नमस्कार।